तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ की। तो प्रायोरिटीज़ होती क्या चीज़ें हैं? प्रायोरिटीज़ होती हैं बेसिकली, अगर हम बात करें तो, अपनी वांट्स को रैंक करना कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए हैं उन चीज़ों में आपको क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए या क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस ऑर्डर में रैंक करने को बोलते हैं प्रायोरिटीज़ सेट करना। ठीक है, तो जैसा कि हमारी आदत है या नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं इंसानों को, तो उनकी वांट्स जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है और उनको क्या क्या करने का मन करता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या मेरे को ज़्यादा चाहिए और क्या कम चाहिए। ठीक है, और ये काम करना उतना आसान नहीं है क्योंकि आपको सारी चीज़ें चाहिए, उसमें डिसाइड करना कि क्या मेरे को ज़्यादा चाहिए क्या मेरे को नहीं चाहिए ये बहुत मुश्किल बन जाता है। किन चीज़ों के पीछे मैं अभी जाऊँ, किन चीज़ों के लिए मैं अभी पीछे नहीं जाऊँ, मैं बाद में काम करूँगा उन चीज़ों पर, ये चीज़ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सब चीज़ों के पीछे भागने लग जाओगे, अगर आपकी जो जो वांट्स है सबको फुलफिल करने आप एक ही साथ निकल पड़ोगे तो बहुत ही मुश्किल बन जाएगा क्योंकि आपका अटेंशन और एनर्जी जो है दोनों चीज़ स्कैटर हो जाएंगी ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, और फिर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी, जिन चीज़ों के पीछे भी आप भाग रहे हो उसमें से एक भी नहीं मिल पाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप उनमें से अगर आप दो तीन चीज़ें चुन लें कि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरे को करना ही करना है, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो उसके बाद जब आपकी ये प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी कि मैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे को करना ही करना है, क्या मेरे को चाहिए चाहिए, ये जब सेट हो जाएगा उसके बाद आपकी प्रायोरिटीज पता लग जाएंगी आपको। आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ वेट कर सकती है और क्या चीज़ मेरे को अभी चाहिए, क्या चीज़ अभी करनी है ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये पता लग जाएगा तो आप अपनी एनर्जी उस हिसाब से एलोकेट करोगे, आप सारी चीज़ पर एनर्जी नहीं लगाओगे, आप पहले कुछ चीज़ों पर लगाओगे, दो तीन चीज़ों पर लगाओगे और जब वो हो जाएंगी उसके बाद आप बाकी चीज़ों पर अपना ध्यान लेके जाओगे। तो इससे क्या होगा कि जिन चीज़ों पर आपने ध्यान लगाया उस बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसको पा लोगे या कम्प्लीश कर लोगे जल्दी। ठीक है, अगर आप सब पे एनर्जी लगाते तो कोई भी जल्दी कम्प्लीश नहीं होता और सब में टाइम लगता और उसके बाद आपका मोटिवेशन जो है वो ड्रेन होता रहता है इस प्रोसेस के साथ साथ। तो इससे बढ़िया कुछ चीज़ें उठाओ, थोड़ी सी चीज़ें उठाओ, एक दो तीन चीज़ें उठाओ और उसके बाद उन पर काम करो, फिर उनको ख़त्म करो। उससे जो मोटिवेशन मिलता है कि हमने ये काम किया, उसके बाद आप और चीज़ों को और उठा के और उनको भी कम्प्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये करना शुरू करें कि प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी चीज़ों के पीछे भागोगे तो वो चीज़ काम नहीं करती, मतलब बेसिकली आपको मिलेगा नहीं कोई भी चीज़ अगर आप सारी चीज़ों के पीछे भागोगे। आप अपनी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट चुनो, आपको जो चाहिए या जो काम करना है, और उसके बाद उस पर अपनी सारी एनर्जी लगाओ, उनको अकम्प्लिश करो, उससे मोटिवेशन लो और फिर वो दूसरी दो तीन चीज़ों पर लगाओ। तो ऐसे अगर आप करते चले जाएंगे तो ही आप अकम्प्लिश कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे, अगर आप दो तीन चीज़ें नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपकी एनर्जी का यूज़ जो है वो स्कैटर्ड रहेगा, बहुत थिन रहेगा, जिससे कि कोई खास रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं, मोटिवेशन ड्रेन हो जाएगा और फिर आपको बहुत दुख होगा जो कि आप नहीं चाहते। तो फिर प्रायोरिटाइज करना शुरू करें, बैठें सोचें क्या ज़्यादा चाहिए, क्या ओवर वेट कर सकता है, क्या चीज़ बाद में कर सकते हैं और क्या चीज़ अभी करनी है, ये सोचने लगेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, वरना तो आप अपनी एनर्जी देते जाएंगे फिर भी कुछ वापस नहीं मिलेगा। तो ये गलती ना करें।